हाय फ्रेंड्स, हमारी ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो सीरीज चल रही है, हम आज की इस वीडियो में देखेंगे स्पाइरल मॉडल इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। स्पाइरल मॉडल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल विच प्रोवाइड सपोर्ट फॉर रिस्क हैंडलिंग। ये जो स्पाइरल मॉडल है, एक वन ऑफ द बेस्ट और इम्पॉर्टेंट मॉडल है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल विच प्रोवाइड सपोर्ट फॉर रिस्क हैंडलिंग। ये जो मॉडल है, ये हमको सपोर्ट प्रोवाइड करता है रिस्क हैंडलिंग के लिए। इन इट्स डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इट लुक लाइक अ स्पाइरल। मतलब इसका ये जो मॉडल है, इसका जो डायग्राम है, वो लाइक स्पाइरल लुक में शो होता है विथ मैनी लूप्स। मतलब ये जो स्पाइरल मॉडल है, ये लूप के जैसा चलता है। मतलब हम आगे जब भी, मतलब थोड़ी देर के बाद हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे और फिगर भी देखेंगे। इन इट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इट लुक्स लाइक अ स्पाइरल विथ मैनी लूप्स। द एग्जैक्ट नंबर ऑफ लूप्स ऑफ द स्पाइरल इज अननोन एंड कैन वेरी फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। मतलब ये जो प्रोजेक्ट है, इसके लूप्स जो है वो प्रोजेक्ट पर डिपेंड करते हैं। मतलब काम कैसा हुआ, उसमें कहाँ क्या दिक्कत आई, उस पर डिपेंड करता है कितने लूप्स चलेंगे प्रोजेक्ट के। ईच लूप ऑफ द स्पाइरल इज कॉल्ड अ फेज ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। हम ये जो स्पाइरल मॉडल है, इसका हर एक लूप को हम फेज ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस बोलते हैं। द एग्जैक्ट नंबर ऑफ फेजेस नीड टू डेवलप द प्रोडक्ट कैन बी वेरीड बाई द प्रोजेक्ट मैनेजर डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट रिस्क। हम ये जो प्रोजेक्ट है, इसका जो भी मतलब फेजेस है वो नीडेड है, वो हम प्रोजेक्ट मैनेजर के थ्रू, वो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट मैनेजर पर। एज द प्रोजेक्ट मैनेजर डायनेमिकली डिटरमाइंस द नंबर ऑफ फेजेस। वो प्रोजेक्ट मैनेजर जो होते हैं, वो डायनेमिकली डिटरमाइन करते हैं कि कितने फेजेस होंगे ये प्रोजेक्ट में। सो द प्रोजेक्ट मैनेजर हैज़ इम्पॉर्टेंट रोल। ये जो स्पाइरल मॉडल है, इसमें प्रोजेक्ट मैनेजर का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है टू डेवलप अ प्रोडक्ट यूजिंग द स्पाइरल मॉडल। मतलब ये जो स्पाइरल मॉडल है, हम जब भी हम समझो कोई मोबाइल शॉपिंग में जाते हैं, जैसे कि उनके पास वो डुप्लीकेट वाले मोबाइल्स होते हैं, वो पहले हमको दिखाते हैं ये वाला मोबाइल है, इसमें ये वाले फीचर्स है। हम बाद में हम बोलते हैं ये हमको लेना है, और बाद में वो हमको वो वाला पीस खोल कर दिखाते हैं। तब लाइक दैट हम इसका डमी प्रोडक्ट बनाते हैं, वो कस्टमर को देते हैं, फिर कस्टमर बताता है कि इसमें ये चेंजेस करवाने हैं, वो चेंजेस करवाने। तो ये जो मॉडल है, इसमें थोड़ा बजट बढ़ जाता है। ये जो है, ये स्पाइरल मॉडल की डायग्राम है। द रेडियस ऑफ द स्पाइरल एट एनी पॉइंट रिप्रेजेंट द एक्सपेंसेस। मतलब ये जो जितनी भी ये रेडियस बढ़ती जाएगी ये मॉडल की, उतनी वो कॉस्ट इंक्रीज होगी। मतलब हर टाइम जब हम इसमें फोर स्टेजेस है, उसको हम वन बाय वन देखेंगे ऑफ द प्रोजेक्ट सो फार। मतलब जो भी एक्सपेंसेस है वो ज़्यादा बढ़ सकते हैं। एंड द एंगुलर डायमेंशन रिप्रेजेंट द प्रोग्रेस मेड फॉर फार इन द करंट फेज। एंगुलर डायमेंशन जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि प्रोजेक्ट मतलब कितनी नेक्स्ट आगे की फेजेस में आगे तक गया है प्रोजेक्ट। इसका जो फर्स्ट फेज है, ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेशन एंड आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव सोर्स। इसमें हम ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करते हैं और उसका अल्टरनेटिव सोर्स और सॉल्यूशन देखते हैं। और जो नेक्स्ट फेज है, आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व रिस्क। इसमें हम जो भी सॉल्यूशन है वो आइडेंटिफाई करते हैं और जो भी रिस्क है उसको मतलब कम करते हैं। और ये जो थर्ड वाला फेज है हमारा, डेवलप नेक्स्ट वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब हमने जो पहला डमी प्रोडक्ट बनाया था और कस्टमर ने बोला नहीं हमको इसमें ये वाले चेंजेस करके दो, तो हम वो वाले चेंजेस करके फिर से
नया वाला वर्जन उसका लॉन्च करते कस्टमर के इन फ्रंट ऑफ कस्टमर। और ये जो हमारा नेक्स्ट फोर्थ फेज है, रिव्यू एंड प्लान फॉर द नेक्स्ट फेज, मतलब हम रिव्यू करते हैं कि ये वर्जन में सब ठीक है या नहीं है, फिर अगर ठीक नहीं है तो फिर से ये पूरी साइकिल फिर से रिपीट होगी, ये चारों फेज। अगर ठीक है तो हम इसके आगे की मतलब इसके आगे की डेवलपमेंट वहाँ से स्टार्ट कर देंगे, लाइक दिस। ये स्पाइरल मॉडल है और इसके आगे के मतलब एडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।